हेलो एवरीवन गाइस, बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो बहुत ही यूट्यूब होने वाली है। सो गाइस, आज बहुत दिनों के बाद मैं इस चैनल पे वीडियो डाल रहा हूँ। तो मैं क्यों नहीं वीडियो डाल रहा था वो मैं आपको बता दूंगा आगे चल के। मैं आपको बता दूँ कि अभी बता देता हूँ कि क्यों वीडियो नहीं डाल पा रहा था। इसीलिए वीडियो नहीं डाल पा रहा था कि कुछ घर के अंदर कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, जिसके कारण से मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था। तो अब मैं जो रेगुलर वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आपको प्यार और सपोर्ट जो है बना के रखना है, तभी जाके ये चैनल जो है 100K सब्सक्राइब है वो कंप्लीट कर पाएगा। वैसे तो यहाँ पर 100K सब्सक्राइब होने वाला है, तो आपको प्यार और सपोर्ट बना के रखना है, और प्यार और सपोर्ट एकदम फुल बना के रखे, तभी जाके 100K सब्सक्राइब है हमारे जो कंप्लीट होंगे, हमारी जो फैमिली है वो कंप्लीट होगी। तो आपको प्यार और सपोर्ट दिखाना है। वैसे अब मेरे को यहाँ पर इंस्टाग्राम पर मैसेज आ रहा था कि मेरा जो यहाँ पर फ्री फायर आईडी है वो कोई और भाई चला रहा है, मतलब कि आपका जो दोस्त है वो चला रहा है। आपने किसी दिन जो लॉगिन करके दिया होगा और वो लॉगिन कर रखा है और आप भी कर रखे हो, लेकिन वो भाई भी खेल रहा है और आप भी खेल रहे हो, लेकिन आप जब भी गेम में जाते हो और खेलने जाते हो तब आपका जो फ्री फायर है वो ऑटोमेटिक ही क्रेश हो जाता है, मतलब कि ऑटोमेटिक ही बाहर आ जाता है। क्यों आ जाता है? क्योंकि आप भी गेम खेल रहे हो और उस भाई के पास भी जो लॉगिन है आईडी, और वो भी एक साथ यहाँ पर है जो ओपन कर रहा है, तब आपका जो गेम है ऑटोमेटिकली बाहर चला जाता है गाइस। तो मैं आपको सब कुछ बताऊंगा कैसे आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे। अगर आपका जो दोस्त है बार बार लॉगिन कर रहा है और आपको परेशान कर रहा है कि मैं लॉग आउट नहीं करूँगा और आपको परेशान कर रहा है, तो आपको मैं बता दूँ, आपको प्रॉब्लम सॉल्व करके दे दूँगा आज। उससे आपका जो दोस्त के पास है उसी का जो पासवर्ड है वो आपको चेंज करना होगा। पासवर्ड कैसे चेंज करना? जैसे कि आपका जो फेसबुक हो गया, आपका फेसबुक से लॉगिन है फ्री फायर आईडी, तब आप मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना दिया था पहले, तो वो वीडियो आपको देख लीजिएगा। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहां पर जाके उस वीडियो को देख लीजिएगा गाइस। अगर आपका जो यहाँ पर जो गूगल आईडी होती है उससे आपका लॉगिन है, तो वो आपको मैं बताता हूँ गाइस, उसका वीडियो मैं आपको बना के दे रहा हूँ अभी। तो आपको क्या करना है, उसका पासवर्ड कैसे चेंज करना है, कैसे लॉग आउट करनी है दूसरे से, तो आपको सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत देखना, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर भी कर देना। अब गाइस, आपको गाइस क्या करना है, जैसे कि आपका यहाँ पर दोस्त का जो दोस्त के फ़ोन के अंदर जो यहाँ पर लॉग इन है, आपका जो यहाँ पर फ्री फायर आईडी है लॉगिन है, तो इसको क्या करना है, आपको फ्री फायर के अंदर तो कुछ ही नहीं करना है। फ्री फायर के अंदर एक काम जरूर करना, आपको यहाँ पर जाके फ्री फायर के अंदर जाके आपको सेटिंग पे क्लिक कर देना, ऊपरी आपको एक हिस्ट्री देखने को मिल जाएगी, मतलब कि लॉगिन हिस्ट्री, तो उस पर क्लिक कर दीजिएगा। उस पर क्लिक करने के बाद आपको सारी हिस्ट्री देखने को मिल जाएगी, जो भी आपके आपकी आईडी जिस डिवाइस में लॉगिन है उसकी हिस्ट्री आपको देखने को मिल जाएगी। तो वो आपको क्या करना है, एक नीचे की साइड में आपको कॉर्नर में एक नाम देखने मिलेगा लॉग आउट ऑल, आपको क्या करना, लॉग आउट ऑल पे क्लिक करके लॉग आउट कर देना। फिर आपको फ्री फायर को यहाँ पर कट कर देना, डिलीट नहीं करना फ्री फायर को, आपको कट ही करना है आपको लॉग आउट करके। गाइस, करने के बाद आपको क्या करना है, अगर आपका गूगल से लॉगिन है तो उसके क्या गाइस क्या करना है, आपके जो यहाँ पर गूगल के अंदर चले आना है गाइस, आपके जो यूट्यूब है इसके अंदर चले जाना या प्ले स्टोर है उसके अंदर चले आना है गाइस। आप पहले देखिए सेटिंग में चले जाना, सिंपली आपको सेटिंग में जाना, नीचे की साइड में आना है। आपको सेटिंग में आने के बाद नीचे की साइड में आना, गूगल आपको देखने मिल जाएगा, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। आपको गाइस क्या करना है, मैनेज योर गूगल अकाउंट आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको देखने मिल जाएगा, यहाँ पर आपको सिक्योरिटी का ऑप्शन देखने मिलेगा, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। इस पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे की साइड में आना, नीचे की साइड में आने के बाद आपको पासवर्ड का ऑप्शन देखने मिल जाएगा, तो आपको क्या करना है, सिंपली पासवर्ड पे क्लिक कर दीजिएगा। इस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको कुछ सेंटर पे आपके सामने ओपन हो जाएगा। आपको गाइस क्या करना है, आपके गूगल अकाउंट का जो पासवर्ड है वो यहाँ पर रिमूव करके और नया जो पासवर्ड है वो क्रिएट करना है, यहाँ पर फॉरगेट पासवर्ड करना है। इसीलिए आपको क्या करना है, फॉरगेट पासवर्ड कैसे करोगे, आपको एक ऑप्शन देखने मिलता है इंटर यूर पासवर्ड, तो इंटर यूर पासवर्ड, आपको पासवर्ड याद है तो डाल सकते हो, अगर नहीं याद है तो आपको फॉरगेट कर देना है। फॉरगेट करने के बाद आपको क्या करना, फॉरगेट का ऑप्शन देखने मिल जाएगा नीचे की साइड में, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। इस पर जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको जो फिंगर वगैरह मांगे वो भी आपको दे देना, जो लॉक मांगे वो दे देना आपका। जैसे कि मैं कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ,
करने बाद में फिंगर दे देता हूँ, फिंगर सेलेक्ट हो चुका है। अब देखिए आपको कुछ सेंट में आपके सामने ओपन हो जाएगा गाइज। आपको गाइज क्या करना, फॉरगेट करने के लिए आपको कोड गया है, आपके जो ईमेल आईडी है उसके अंदर एक कोड जा चुका है, वो कोड आपको यहाँ पर डाल देना है। जैसे आपको गाइज क्या करना, यहाँ पर आपको सिक्योरिटी कोड डालना है तो डाल सकते हो, वरना आपको मोर का ऑप्शन देखने को मिलेगा वेरीफाई, तो आपको इस पर कर दीजिएगा। आपको गाइज क्या करना है, नीचे की साइड में आपको नंबर देखने को मिल जाएगा, आपको इस पर क्लिक कर दीजिएगा। इस पर क्लिक करने बाद आपको कुछ सेंटर पे आपके सामने ओपन हो जाएगा, तो यहाँ पर थोड़ा वेट करना है। वेट करने बाद आपके मोबाइल के अंदर एक कोड गया है 6 डिजिट का, तो वो आपको डालना है। अब आपके मोबाइल के अंदर जो यहाँ पर है कोड गया, वो कोड आपको इसके अंदर डाल देना है। इसके अंदर डालने के बाद आपको कैसे क्या करना है, नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो कुछ सेंटर पे आपके सामने ओपन हो जाएगा, तो यहाँ पर थोड़ा वेट करना है। वेट करने के बाद न्यू पासवर्ड का ऑप्शन आपके सामने ओपन हो चुका है, आपको कैसे क्या करना है, न्यू पासवर्ड डाल देना है। यहाँ पर आपको क्या करना है, न्यू पासवर्ड बना लेना, जो आपका पासवर्ड है वो बना लेना है। जैसे कि मैं बना लेता हूँ। न्यू पासवर्ड बनाने के बाद आपको वैसे क्या करना है, यहाँ पर आपको न्यू पासवर्ड है वो एक करंट पासवर्ड में आपको डाल देना है, फिर आपको चेंज पासवर्ड पर क्लिक कर दीजिएगा गाइस। फिर से चेंज पासवर्ड पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ सेंटर पे आपके सामने ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद गेट स्टार्ट पे आपको क्लिक कर दीजिएगा। गेट स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद आपको देखने मिल जाएगा अब आपके जो ईमेल आईडी है वो किस डिवाइस में लॉग इन है वो भी आपको देखने मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, आपकी जिस ही डिवाइस में लॉग इन है आपका जो ईमेल आईडी उसी को आपको गाइस क्या करना है, रिमूव का ऑप्शन देखने मिल जाएगा, आपको रिमूव पे क्लिक कर दीजिएगा। अब आपको गाइस क्या करना है, कट कर देना, पूरा कट करना है आपको, पूरा कट करना है। अब आपको एक बार चेक कर लेना कि आपका जो डिवाइस है आपका ईमेल आईडी है वो किसी अन्य डिवाइस में लॉगिन है या नहीं, वो चेक करने के लिए आपको गाइस क्या करना, फिर से गूगल के अंदर जाना है, कि फिर से सेटिंग के अंदर जाना है, फिर से गूगल पे क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपको मैनेज योर गूगल अकाउंट पे क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर सिक्योरिटी पे फिर से आ जाना है। आने बाद नीचे की साइड में आना है, फिर से नीचे की साइड में आने के बाद आपको आना, फिर से आना है, फिर यहाँ पर आपको देखने मिल जाएगा मैनेज ऑल डिवाइस, आपको इस पर क्लिक कर दीजिएगा। इस पर जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पर आपको कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पर ओपन होने के बाद आपको देखने मिल जाएगा जो डिवाइस है, जिस डिवाइस में लॉगिन है उसी का आपको यहाँ पर सारा डिटेल देखने मिल जाएगा। आपको क्या करना है, रिमूव करने के लिए उसी पे क्लिक कर दीजिएगा। जिस डिवाइस में आपका डिवाइस है उस पर तो क्लिक करना नहीं है, अगर अन्यथा डिवाइस है उसी पे क्लिक कर दीजिएगा। आपको क्या करना है, साइन इन आउट पे क्लिक कर दीजिएगा। फिर से आपको साइन इन आउट पे क्लिक कर दीजिएगा, ओके पे क्लिक कर दीजिएगा। ये हो चुका है, यहाँ से रिमूव हो चुका है। आप यहाँ पर रिमूव पासवर्ड चेंज करोगे वहाँ पर भी आपको देखने मिल जाएगा। आप जैसे पासवर्ड चेंज कर दोगे वहाँ पर आपको सारी डिटेल देखने मिल जाएगी, वहाँ पर आपको रिमूव का ऑप्शन देखने मिलेगा, उसके हिसाब से आपको रिमूव पे क्लिक करके आप रिमूव कर दीजिएगा। और मैं अभी बताएं वैसे भी आप कर सकते हो गाइस। तो ऐसे करके जो आप है आपकी जो मोबाइल के अंदर जीमेल आईडी लॉगिन थी जिस डिवाइस में उसी से आपको जो डिलीट कर सकते हो गाइस। तो ऐसे करके आप जो पासवर्ड है वो चेंज कर पाओगे, और आप जो है पासवर्ड चेंज करने के बाद आप जो है आपका जो फ्री फायर आईडी है वो लॉगिन करना और फिर हिस्ट्री में जाकर चेक करना, आपका प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा गाइस। तो ये ट्रिक थी जो मैंने आपको बता दी है, और ऐसे ही आप फ्री फायर आईडी जो फेसबुक से लॉगिन है ऐसे ही आपको फेसबुक में करना गाइस। पासवर्ड चेंज नहीं करना आता तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, जाके देख लीजिएगा। तो गाइस आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। जाकर टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगी गाइस, जाके फॉलो जरूर करना गाइस। आज वीडियो से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखना अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत।